एक लड़के ने अपनी डॉक्टर गर्लफ्रेंड को ब्लड से लव लेटर लिखा। 2 घंटे के बाद ही उसका जवाब आ गया, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, हीमोग्लोबिन की कमी। एक आदमी तो डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब सुना है आप शराब छुड़वाते हैं। डॉक्टर बोला हाँ, तो चल के छुड़वा दो ना, पुलिस ने मेरी 4 बोतलें पकड़ ली है। मेरी तो सोसाइटी का वॉचमैन आज सुबह सुबह दारू पी के फुल टुन, मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा सुबह सुबह शराब पी रखी है? वो बोले हाँ, सेक्रेटरी साहब बोले हैं कि सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए, ये होता है कॉन्फिडेंस। एक लड़का पिछले दिनों ब्लड बैंक में गया, ब्लड बैंक में जाके बोला मुझे 100 ml ब्लड चाहिए। वहाँ बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट बोली कौन से ग्रुप का, इसका कॉन्फिडेंस देखिए। बोले जी कोई से भी ग्रुप का दे दीजिए, मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड को खून से खत लिखना है। हमारे यहाँ एक ऑफिस में काम करने वाले एक आदमी की डेथ हो गई पिछले दिनों। देखिए लोगों का कॉन्फिडेंस देखिए, आदमी की डेथ हो गई, 4 दिन बाद ही उसके साथ में काम करने वाला एक आदमी उसके घर पे पहुंचा और उसकी वाइफ से कहा आपके पति की डेथ हो गई, मुझे बहुत दुख है, लेकिन अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या मैं आपके पति की जगह ले सकता हूँ? उसकी वाइफ का कॉन्फिडेंस देखिए, बोले जी मुझे तकलीफ की क्या बात है, आप जाके शमशान वालों से बात कर लो। ये होता है कॉन्फिडेंस। हमारे आदमी में अगर कॉन्फिडेंस हो तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। बात कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस हो। हमारे यहाँ कुछ लोग हमारे मोहल्ले में पिछले दिनों चंदा मांगने आए, मेरे पड़ोसी के यहाँ आए, बोले शमशान की दीवार बनवानी है, चंदा दीजिए। पड़ोसी कॉन्फिडेंस वाला बोले शमशान घाट की दीवार बनवाने की क्या जरूरत है, जो अंदर हैं वो बाहर आ नहीं सकते और जो बाहर हैं वो अंदर जाना नहीं चाहते, ये होता है कॉन्फिडेंस। इन भाई साहब के पास एक और ग्रुप आया चंदा मांगने के लिए कि अनाथालय बनवा रहे हैं, कुछ सहयोग कीजिए। इसने अपने 4 बच्चों को आगे कर दिया, बोले इन 4 को ले लीजिए। इनके पास एक और ग्रुप आया चंदा मांगने के लिए कि मोहल्ले में स्विमिंग पूल बनवाना है, मदद दीजिए। इसने पानी की 2 बोतली दी और बोला ये 2 बोतली मेरी तरफ से स्विमिंग पूल के लिए रख लीजिए। और हमारे यहाँ तो यकीन मानिए बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, बच्चे कॉन्फिडेंस वाले। एक बच्चे से टीचर ने पूछ लिया, बताओ अंडे से मुर्गी का बच्चा बाहर कैसे निकल आता है? बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए, बोले टीचर आप ये बताइए कि वो अंडे के अंदर घुस कैसे जाता है? टीचर ने इसी बच्चे से पूछ लिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? बच्चा कॉन्फिडेंस वाला, बोले जी जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। इतने कॉन्फिडेंस वाले बच्चे। एक बच्चे से टीचर ने पूछा तुम कहाँ पैदा हुए? बच्चा बोला जी तिरुवनंतपुरम में। टीचर बोली तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग बताओ? बच्चा बोला अगर इतना कठिन मामला है तो फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ हूँ। इतने होशियार बच्चे। इसी बच्चे से एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बेटा लोग मुझे मरने के बाद भी याद करें मुझे क्या करना चाहिए? बच्चा बोला कुछ नहीं अंकल, लोगों से उधार लेकर मरो, तुम मर जाओगे, सामने वाला सोते जागते उठते बैठते तुम्हें याद करेगा। इतने कॉन्फिडेंस वाले बच्चे होते हैं। यकीन मानिए आजकल तो हाईवेज पे जितने ढाबे नहीं है उससे ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज खुल गए। ऐसे एक मैनेजमेंट कॉलेज में मेरे पड़ोसी का लड़का एडमिशन लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था। उसने वहां के वॉचमैन से पूछ लिया, बोले मैं यहां से MBA करना चाहता हूं कॉलेज बढ़िया तो है ना? वॉचमैन बोला जी कॉलेज बहुत बढ़िया है, MBA मैंने भी यहीं से कर रखी है। कहां कॉन्फिडेंस। एक दिन एक लड़का अपने घर में खेल रहा था, उसके दादाजी ने उसको बहुत डांटा, बोले जाके कहीं छुप जा, तेरी स्कूल टीचर इधर ही आ रही है। बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए, बोले दादाजी आप जाके छुप जाओ क्योंकि आप मर गए हैं, मैंने ये कह के टीचर से 3 दिन की छुट्टी ले रखी है। और हम तो मुंबई के लोग हैं साहब, मुंबई का आदमी तो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता है साहब। मुंबई के तो बच्चे इतने कॉन्फिडेंस वाले होते हैं कि वो अगर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी करें तो 1 अप्रैल को करते हैं, क्योंकि अगर मान गई तो ठीक, नहीं तो अप्रैल फूल।
लेकिन मेरे जैसा आदमी तो आपको सलाह देता है साहब, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो सही समय में प्रपोज कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इश्क के तेवर नुकीले हो गए, इश्क के तेवर नुकीले हो गए, प्रेम के सब बंद ढीले हो गए, और हो गए वो लेट कुछ इजहार में और उनके हाथ पीले हो गए। तो ऐसा ना हो, इसलिए कॉन्फिडेंस हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। मेरे मोहल्ले का एक आदमी रात को मुझे 11 बजे मिला, मैंने कहाँ जा रहा है, बोले गीता का उपदेश सुनने जा रहा हूँ। अरे मैंने कहा रात को 11 बजे कहाँ, बोले घर जा रहा हूँ, गीता मेरी पत्नी का नाम है। कॉन्फिडेंस। एक लड़का ट्रेन में अपर बर्थ पर सोया हुआ था, नीचे दो खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई आपस में बात कर रही थी, पहली लड़की दूसरी लड़की से बोली तू कैसे लड़के से शादी करेगी, दूसरी बोली कम से कम 200 करोड़ का आदमी होना चाहिए, वो बोली 200 करोड़ का नहीं मिला तो, ये बोली कम से कम 100 करोड़ वाला होना चाहिए, वो बोली 100 करोड़ वाला भी नहीं मिला तो। तो लड़के का कॉन्फिडेंस देखिए साहब, अपर बर्थ पर से नीचे जंप करके आया, बोले मैडम जब आपका बजट 25 लाख पे आएगा तो बता देना। ये होता है कॉन्फिडेंस। हालांकि मैं भी बड़े कॉन्फिडेंस वाला हूँ। पिछले दिनों अहमदाबाद गया, एयरपोर्ट पे टैक्सी वाले को रोका, मैंने कहा कर्नावटी क्लब चलना है, कितने पैसे लेगा, टैक्सी वाला बोला जी 500 रुपये। मैंने कहा देख भाई मैं तो कवि हूँ, कलाकार हूँ, कुछ कम कर, 200 रुपये दूंगा। वो बोला साहब 200 में कौन लेके जाएगा, मैंने कहा तू बैठ। ये होता है कॉन्फिडेंस। और मैं तो जानता हूं साहब, एक आदमी रोज ठीक सुबह 9 बजे टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करता था और पूछता था टाइम क्या हुआ है, टेलीफोन ऑपरेटर बताती थी 9 बज गए। जब उसका यही कार्यक्रम साल भर चलता रहा तो एक दिन टेलीफोन ऑपरेटर को गुस्सा आया, उसने कहा भले आदमी जब तुझे ठीक 9 बजे ही टाइम पूछना है कि टाइम क्या हुआ है तो तू मिल्का भोंपू क्यों नहीं सुनता जो ठीक 9 बजे ही बजता है। ये बोला बहन जी टेंशन क्यों ले रही हो, मैं भोपू वाला ही हूं और आपसे टाइम पूछ कर रोज मैं ही बजाता हूं। ये होता है कॉन्फिडेंस। आदमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए साहब। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर समय कॉन्फिडेंस के मूड में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नींद में भी अपने कॉन्फिडेंस को जागृत करके रखते हैं। मैं जानता हूं किसी ने कहा है कि निगाह उठे तो सुबह, कुछ लोग जरूरी नहीं कि जागते हुए, नींद में भी कॉन्फिडेंस के मोड पर रहते हैं कि निगाह उठे तो सुबह, निगाह झुके तो शाम हो जाए, निगाह उठे तो सुबह, निगाह झुके तो शाम हो जाए, तुम मुस्कुरा भर दो तो कत्ले आम हो जाए, और जरूरत ही नहीं तुमको मेरी बाहों में आने की, तुम ख्वाबों में भी आ जाओ तो अपना काम हो जाए। ये होता है कॉन्फिडेंस। आप सब लोग कॉन्फिडेंस में रहे, जीवन में प्रगति करें, आगे बढ़े, आपकी सफलता आपको जरूर आपके कदम चूमेगी। मुझको मेरी तपस्या का फल मिल गया, मुझको मेरी तपस्या का फल मिल गया, मैं जिसे ढूंढता था वो पल मिल गया, फूल पथ में मुझे अब मिले न मिले, मुझको कांटों पे चलने का बल मिल गया, मुझको कांटों पे चलने का बल मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कॉमेडी कलाकार।